हेलो गाइस, स्वागत है कोरोडी में। दोस्तों, सेबी ने एक नया अपडेट दिया है कि अगर कोई नॉमिनी डिटेल अपडेट करना चाहता है और बहुत ही जल्दी में है, सो आपके लिए खुश खबरी है कि अगर आप नॉमिनी डिटेल्स अपडेट नहीं भी करते हैं फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, क्योंकि जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। और अब दोस्तों, अब जो डेट हो चुका है वो हो चुका है आपका, आई थिंक 30 सितंबर हो चुका है। यस, अब आपका डेट दोस्तों 30 सितंबर हो चुका है। सो खुशखबरी है दोस्तों कि अगर आपका मे बी आपका पैन कार्ड नहीं मिल रहा, आपका जो भी रीजन है, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको टाइम दे दिया गया है और एडिशनल 4 महीने, सो 4 महीने में आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं धन यूज करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक मेरा 30 सेकेंड्स में हो गया था। बस मुझे एक पैन कार्ड का फोटो लेना था और उसको अपडेट करना था। सो धन में आप अकाउंट खोलिए, बिल्कुल सब कुछ सेकेंड्स में होता है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, AMC फ्री है, API फ्री है, ट्रेडिंग प्रीमियम मिलता है। सो धन में अकाउंट खोल सकते हैं। सो जो ये दोस्तों जो ये रेगुलेशन है ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो आपका पैसा है, अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपका अकाउंट गुम जाता है, तो आपका पैसा अपने आप बैंक में आ जाए, या फिर आपका जो नॉमिनी है, आपकी मम्मी है, आपके फादर है, आपकी वाइफ है, उसके बैंक अकाउंट में अपने आप पैसा चला जाए। ऐसा डिटेल है, ऐसा ये जो है कि 80,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़, मैं चेक नहीं किया मैंने, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आई थिंक 80,000 करोड़ ही है, ऐसे ही पड़ा हुआ है डीमैट अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों ये सेबी ने नियम लाया है, और आई थिंक जुलाई 31 को लाया था, राइट। सो दोस्तों ये आई थिंक अच्छा नियम है, इसको अपडेट करना चाहिए, और आप एक सेकेंड्स में कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया, अगर आपको जैसे एमस्टॉक ऑफलाइन पेपर्स मांगता है, आई थिंक एमस्टॉक में तो अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है, और भी जितने सारे ब्रोकर्स के पास प्रॉब्लम है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 4 महीने हैं इसको सुलझाने के लिए। सो इंडियंस की आदत होती है कि जब भी डेडलाइन सामने होती है तभी करते हैं। सो राइट ना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मैं लिंक डाल दूंगा और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। क्या आपका कहना है, क्या ये बिल्कुल सही नियम है? रिटेलर्स को परेशान करके रखते हैं ये सेबी वाले, एंड क्या ही करेंगे जी, हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड मार्केट में है, वर्ल्ड का मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट। आपका एक एक रुपया सेफ है इस मार्केट में, और लोग स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका बिल्कुल सब कुछ सेफ है। सो इसका मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।